हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्पी विजन आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं आज कैलीग्राफी करूँगी। मैं बैकग्राउंड बना रही हूँ रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर से, और मिक्स उसको लाइट कलर लाइट शेड्स बनाने के लिए मैं वाइट ऐड करूँगी उसमें। और फिर हम मॉस्क बनाएंगे, कैलीग्राफी करेंगे इस पूरी पे। मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर ब्लू कलर करके देखती हूँ। मैंने इसलिए कम्प्लीट करके आप लोगों को दिखाया नहीं, बिकॉज ये मैं पूरी मॉस्क जो है वो मैं ब्लू से करूँगी। मुझे बहुत ब्लू अट्रैक्ट कर रहा था और मैं इसका गोल्डन या ब्लैक टच दूंगी। वो मैं लास्ट पर डिसाइड करूंगी कि मुझे इसके बॉर्डर्स जो हैं मुझे गोल्डन करने हैं या फिर ब्लैक करना है। बट मेरे मतलब अभी तक जो थॉट है वो यही है कि मुझे गोल्डन करना है इसको। चलिए अब हम इसको जल्दी जल्दी कम्प्लीट करते हैं, इसकी मॉस्क के मेहराब सारे बना लेते हैं। और मेहराब बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या बनाऊँगी मैं, क्या करूँगा। आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने इसके लिए ब्रश यूज़ किया वो ये यूज़ किया, मतलब थोड़ा लंबा ब्रश यूज़ किया है, नोकदार ब्रश यूज़ नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि हमें इसमें लाइंस डिटेलिंग्स और हमारी कोशिश के बाहर ना जाए, तो इसलिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया। ये बहुत कंफर्टेबल है, ये जैसे छोटा मेहराब है तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसको कलर करने में, सो इसके लिए आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कलर बनाया जो मैं इसके सारे हैं नीचे वाले पोर्शन में करूँगी। ये आपको जो दिख रहा होगा वो सेम कलर दिख रहा होगा, बट नहीं, ये सेम कलर नहीं है, उससे डार्कर शेड है, फुल ब्लू नहीं है। मतलब वाइट में मैंने ब्लू मिक्स किया है, इसमें ब्लू कम मिक्स किया है और वाइट ज़्यादा मिक्स किया है, और इसमें वाइट कम है और ब्लू। अब मैं इसकी सारी लोअर बॉडी में मैं डार्क शेड ब्लू कलर कर रही हूँ, और उसके बाद हम बॉर्डर्स की तरफ आएंगे। बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है, हम इसके बॉर्डर्स करेंगे, गोल्डन से बॉर्डर्स करेंगे और इसके अंदर जो ब्लैक से हम आउटलाइन करेंगे इसकी। गोल्डन की गोल्डन और ये गोल्डन और ये मैंने गोल्डन कलर्स किए हैं। ठीक है, गोल्डन कलर का एक बॉर्डर बनाया है। इसमें मैं इस मार्कर से मैं इसको इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगी, बिकॉज ये वाले जो बॉर्डर्स हैं उनके मैंने अभी गोल्डन नहीं किया बिकॉज इनका डिज़ाइन चेंज है। तो फिर उसका जो अंदर वाला जगह है इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर करूँगी, बिकॉज हम अंदर का तो नहीं कुछ दिखा सकते, सो मैं ब्लैक कलर स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत मॉस्क लग रही है। अब इसमें हम जो इसका डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं। आपको दिखाने का बताने का मकसद ये है कि अगर कोई कैलीग्राफी या पेंटिंग सीखना चाहता है तो वो वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे। अब ये गोल्डन कलर में नीचे वाले बॉर्डर्स में करूँगी, और इसका डिज़ाइन चेंज है तो इसके ऊपर भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। एंड मॉस्क रेडी हो जाएगी तो हम कैलीग्राफी की तरफ रवा दवा होंगे। हमारी मॉस्क प्रॉपर फुल रेडी हो गई है, अब हम कैलीग्राफी इस पर स्टार्ट करते हैं। फबी अही अलाई रबी गुमा तो का ज़िबान लिखूँगी, मैंने पहले ड्रॉ कर लिया था और अब मैं उसके ऊपर कलर्स लिख रही हूँ। ओके, मैं कंप्लीट हो गया। फबी अही अलाई रबी गुमा तो का ज़िबान, ये मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने रूम में बैठ लिखा, उधर लाइट का बहुत इशू था, तो अब मैं आपको इसको क्लियरली दिखा रही हूँ। अब हमने इस पर बॉर्डर्स की है साइड पे, उसके बाद फ्री कैलीग्राफी की है, और मैं मिड में भी थोड़ी फ्री कैलीग्राफी की है, और अब हम मॉडर्न कैलीग्राफी से इसके ऊपर अल्लाह लिखेंगे। अभी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि इसमें से सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ आपको क्या लगी। सो ये थी हमारी फाइनल लुक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेंटिंग कैसी लगी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।